दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाया गया है, न कि किसी की अंतरात्मा को ठेस पहुंचाने के लिए। दोस्तों, आज अपन यहाँ बात करेंगे, दोस्तों, जिस प्रकार भारतीय समाज में कुछ कुरीतियाँ फैली हुई हैं, क्या ये जो कुरीतियाँ हैं ये क्या सच हैं या फिर उनको असत्य हैं, ठीक है ना। तो अपन यहाँ बात कर लेते हैं कि जो लड़का होगा या लड़की तो डॉक्टर होते हैं वो किस प्रकार अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता लगा लेते हैं और कितने माह के भ्रूण का पता लगाया जा सकता है कि ये लड़का है या फिर ये लड़की है, ठीक है ना। और उस पर अगला पॉइंट अपना रहेगा कि लड़का या लड़की के जन्म में किसकी भूमिका होती है, कि भाई पिता के द्वारा लड़के का निर्धारण होता है या फिर महिला के द्वारा, यानी जो माता होती है उसके गुणसूत्रों के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। अगला अपना पॉइंट रहेगा, लड़कियां हो तो क्या करें या इसका दोषी कौन होता है, ठीक है। और तीसरा अपना पॉइंट रहेगा, क्या अल्ट्रासाउंड में पता चलता है लिंग का, ठीक है, कि भाई क्या मेल है या फीमेल है। और उसके बाद अपना अगला पॉइंट रहेगा, लड़का होने की कौन सी मेडिसिन है, जैसे कि आपने सुनी होगी सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है। और सबसे अपना जो लास्ट पॉइंट रहेगा कि वाई गुणसूत्र को कैसे बढ़ाएं, यानी जो वाई गुणसूत्र है सबसे बड़ा फैक्टर होता है लिंग के निर्धारण करने में, ठीक है। अच्छा देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन यहाँ बात कर लेते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कैसे पता लगा लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई लिंग का जो निर्धारण, यानी लिंग का जो पता लगाना भारत में कानूनी अपराध है, इसके लिए कानून में बहुत ही बड़ी बड़ी सज़ा है, ठीक ना। जो इसका पता लगाता है उसको भी सज़ा मिलती है और जो इसकी जो जो माता पिता होते हैं और उसको भी सज़ा मिलती है। कहने का मतलब, जितना डॉक्टर दोषी होता है उतने ही माता पिता इसके दोषी होते हैं, उन्हें कानून के अनुसार उन्हें सज़ा दी जाती है यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो, ठीक है। अच्छा देखो भाई, डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो भ्रूण होता है वो यदि 3 माह का या 3 माह से अधिक का होता है तभी अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता लगाया जा सकता है, यदि इससे कम समय का होता है तो बिल्कुल भी पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो भ्रूण होता है उसके जो रिप्रोडक्शन पार्ट होते हैं वही, ठीक है ना, है वो बिल्कुल भी क्या नहीं हो पाते, मैच्योर नहीं हो पाते हैं, जिससे वो अल्ट्रासाउंड में स्पष्ट दिखाई नहीं देते। यदि ऐसा कोई कहता है कि भाई हाँ 3 महीने से पहले लगाया जा सकता है तो वो एक प्रकार का छलावा हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद ये है कि जो लड़का लड़की के जन्म में किसकी भूमिका होती है। भाई देखो, आपने काफ़ी बार कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता है कि भाई लड़के के लिंग निर्धारण में किसकी भूमिका होती है, तो किसका इसका आंसर होता है भाई पिता, ठीक है ना। यदि ये क्वेश्चन आए कि लड़की के लिंग निर्धारण में किसकी भूमिका होती है तो उसका भी आंसर क्या आएगा, भाई पिता ही आएगा। क्योंकि पहले मैं आपको एक यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ देखना, जो महिला जो पुरुष होते हैं ना उसमें क्या होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। महिला में क्या होते हैं भाई, XX गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में क्या होते हैं XY, यानी जो महिला होती है उसमें तो पहले से ही लड़की के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन जो पुरुष होता है उसमें 1 गुणसूत्र भाई क्या होता है लड़की का और 1 क्या होता है लड़के का। ध्यान रखना, यदि महिला का एक्स और जो पुरुष है उसका वाई आपस में मिलते हैं तो फिर ये लड़के का जन्म होता है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद यदि महिला का एक्स और पुरुष का एक्स मिलता है तो फिर क्या होता है लड़की का जन्म होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये जो प्रक्रिया होती है, जो भ्रूण का निर्माण होता है, इस प्रकार होता है, ठीक है ना। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, और यदि कुल पूछा जाए तो भाई इनकी संख्या कितनी होती है, 46 गुणसूत्र। और ध्यान रखना, इसमें लैंगिक गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, XX या XY होते हैं। और उसके बाद भाई संजात गुणसूत्र पूछे जाएँ तो, यानी जो नर व मादा बिल्कुल समान होते हैं, कितने होते हैं, 44 होते हैं, यानी 22 जोड़े, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, लड़की व लड़के का जो निर्धारण होता है वो नर यानी पिता के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। ये तो कुछ बेसिक जानकारियाँ थी।
देखो भाई, अगला पॉइंट आता है कि लड़कियां हो तो क्या करें और इसका दोषी कौन होता है। देखो भाई, भारतीय समाज में यदि कोई महिला है बार बार किसी लड़की को जन्म देती है तो इसका जो दोषी होता है वो परिवार उस महिला को समझ लेता है, लेकिन वो महिला बिल्कुल दोषी नहीं होती है। दोषी कौन होता है? वह पुरुष होता है, ठीक है ना, यानी उस लड़की का पिता, क्योंकि उसमें वही जो एक्स वाई गुणसूत्र हैं, तो एक्स एक्स गुणसूत्र हैं आपस में क्या हो रहे हैं, महिला पुरुष के आपस में भाई वो फर्टिलाइजेशन हो रही, जिससे क्या हो रही है, लड़की का जन्म हो रहा है। तो इसमें ये है, इसमें दोषी महिला को मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ बिल्कुल जहाँ शिक्षा का अभाव है वहीं पर ये ऐसे रीति रिवाज होते हैं, ठीक है ना। तो साइंस भी ये कहती है, बड़े बड़े साइंस जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि भाई इसका दोषी ये महिला को नहीं माना जाए, इसका दोषी होता है प्रमुख रूप से पुरुष, क्योंकि पुरुष में ही ये एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यदि पुरुष का वाई और महिला का एक्स होगा तो फिर वो लड़का बनेगा, यदि महिला का एक्स और पुरुष का एक्स होगा तो फिर वो लड़की, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ये है अपना भाई कि लड़का होने की कौन सी मेडिसिन है। भाई आपने देखा होगा कई हमारे गांव में क्या होता है, कुछ लोग भाई बाबाओं के पास चले जाते हैं, कि कुछ ऐसी अफवाहें होती हैं कि भाई इस मेडिसिन के लेने से लड़का होता है, लेकिन ये सब क्या है, एक प्रकार से अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। क्योंकि प्रकृति ने इस प्रकार से बनाया हुआ है, प्रकृति देखो भाई, यानी हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। भाई एक बात मुझे बताना तुम, यदि मान लो पुरुष में एक्स वाई के स्थान पर एक्स एक्स होता और महिला में भी एक्स एक्स होता, तो क्या फिर लड़के का जन्म हो पाता? कभी भी नहीं होता, ठीक है ना। पूरी सृष्टि पर क्या हो जाता, एक दिन ऐसा आता कि भाई यहाँ पर मनुष्य नाम की कोई जाति है वो ही विलुप्त हो जाती। कहने का मतलब यहाँ पर मनुष्य नाम की जाति का कोई यहाँ पर नामो निशान ही नहीं होता। यदि वर्तमान में ऐसा हो जाए ना कि सभी पुरुषों में एक्स वाई की जगह एक्स एक्स हो जाए, तो फिर आप देखना जो मनुष्य प्रजाति है कुछ ही सालों में क्या हो जाएगी, इनका विलुप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्रकृति ने कोई भी चीज़ हो एक के सिस्टम के अनुसार ही बनाया है, ताकि प्रकृति में इसका बैलेंस बना रहे, ठीक है ना। न तो कोई भाई वाई जो क्रोमोसोम है उसको बढ़ाने की कोई दवा होती है, न तो किसी लेबोरेटरी में पता लगाया जा सकता है कि भाई महिला का ये अंडाणु है, पुरुष का ये शुक्राणु है, दोनों आपस में मिलेंगे तो भाई इसमें लड़का होगा, इसमें लड़की होगी, ठीक है ना। किसी का बाप भी नहीं बता सकता, ठीक है ना। अभी तक वैज्ञानिक इसमें रिसर्च में लगे हुए हैं कि भाई जैसे महिला व पुरुष आपस में क्या होता है, उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या 1 या 1.5 महीने में इसका पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं पता लगाया जा सकता, ठीक है ना। हाँ, कुछ अपने अपने आईडी हैं कि उनके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, उनको देखकर कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है, 40-50%, ठीक है ना। तो 40-50% को कोई सटीक नहीं माना जाता है, तुक्का हो जाता है, ठीक ना। तो ऐसी अभी तक कोई जांच है नहीं, ऐसी कोई अभी मेडिसिन है नहीं जिसके द्वारा ये पता लगाया जा सके, और ये मेडिसिन देने से कि भाई लड़का ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये अफवाहें हैं, ठीक ना। यदि ऐसा होता तो भाई क्या होता, जो बड़े बड़े महाराज हैं आज उनका ही नामो निशान होता, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ है नहीं, ये सब अफवाहें हैं, ठीक है। तो साथियों, ये थी छोटी सी जानकारी कि भाई जो महिलाएं होती हैं उनको आज भारतीय समाज में कुछ कहीं कहीं पर भाई वो मान लिया जाता है कि भाई जो लड़की यदि उनको हो रही है तो इसका जिम्मेदार महिलाओं को ही माना जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है।